इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आज का जो मौजू जो कोविड सेंटर जो बेलगाम के अंजुमन इस्लाम कमेटी की जानिब से जो चल रहा है पिछले कई सालों से, जो राजू सेठ साहब के अंडर में जो चल रही है कमेटी, एक बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमारे नज़र में आए जो कार्य इनका, खिदमत खल्क, जो इंसानियत के नाते उन्होंने हर धर्म हर मजहब को ले के बेलगाम में आजू बाजू के परिसर में उन्होंने ले के जो कार्य कर रहे हैं, इसका हमें एक प्राउड फीलिंग महसूस हुआ। इसलिए हम आज आके एक हमारा जो जैसे आपके कार्य में एक तीन बराबर थोड़ी हम एक है, इसकी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और आगे भी इंशाल्लाह कुछ भी रहेगा हमारे हिसाब से हम करते रहेंगे। हाँ, और उनके आगे के कार्य अंजुमन के हमारे बहुत सारी मुबारकबाद है तहे दिल से। ये जाना माने बिजनेसमैन मोती वाले साहब आज अंजुमन इस्लाम में तशरीफ़ लाए थे, हमारे कोविड सेंटर में विज़िट किए और बहुत खुशी से एक जनरस डोनेशन हमें यहाँ पे दिए हैं, और पूरे अंजुमन की तरफ से उनका हर दिल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे और उन्हें खुश रखे। आज हमारे साथ में मोतीवाले साहब जो थे बिजनेसमैन हैं निपानी के, आज उनका आना हुआ, आज हमारे कोविड सेंटर में वो विज़िट किए और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो खुश होकर आज अंजुमन कोविड सेंटर को एक रकम अदा की है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी हमारे साथ में जुड़े रहें और काम हम मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल शकूर मोती वाले साहब जो है आज अंजुमन तशरीफ़ लाए कोविड सेंटर में, और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड सेंटर में जो है काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और तकरीबन 150 मरीज जो है ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है शहर बेलगाम के लिए, और हर आने वाला जो है खुश होकर चला जा रहा है, और शहर बेलगाम और तमाम लोगों से हमारी यही दुआ है कि आप सब लोग अंजुमन से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम इंशाल्लाह अंजुमन से होगा, यही दुआ मेरी है।